जी देखा आपने नाजिया का पैकेज, नाजिया वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक सवाल कब से मेरे दिमाग में घूमे जा रहे हैं, मैं पूछूं ज़रा, ये आपको हर कोई रिजेंबल करता है रऊफ़ खालिद साहब से, क्या वजह है? एक्चुअली मैं आई एम अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली। अच्छा ठीक है, पहले लोग मुझे रऊफ़ खालिद मरहूम साहब से इज़ नॉट अलाइव नाउ वाला उनकी मकफ़रत फरमाए। तो एक्चुअली प्लान ये था कि ही वॉज प्लानिंग टू मेक एन आंगन टेलीफिल्म। अच्छा, तो ही ऑफर्ड मी टू परफॉर्म हिज सन रोल, यानी कि उनके बेटे का रोल करूँ। ठीक है ठीक है। तो अब ये है कि जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो लोगों का पहला सवाल ये होता है कि आप रऊफ़ खालिद के बेटे तो नहीं है, तो वो बड़ा एक ऑनर्ड। और रऊफ़ खालिद साहब का पहले हम ये भी बताते चलिए लोगों को, काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा कि क्या बिल्कुल उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने लाख बनाई, अंगारवादी बनाया और जबरदस्त, और बहुत हिट गए हैं ये, और बड़े एट दैट टाइम ये बड़े मतलब हिट, काफ़ी अच्छे ड्रामा सीरियल्स आज तक देखने जाने। इनफैक्ट उनके जो भाई हैं बैरिस्टर अरशद साहब, ही ऑलवेज प्रमोटिंग मी, ही वॉज वर्किंग इन द यूनाइटेड नेशन एंड इंशाल्लाह ही इज कमिंग बैक इन रमज़ान। तो वो मुझसे कहते थे कि जो वो तुम्हारा यानी कि ख्याल करते थे, अब वो सारा मैं करूँगा तुम्हारे लिए। तो मतलब मुझे इतनी खुशी होती है। और अभी आपको ऑफर भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एक सोप की ऑफर हुई मतलब है। मतलब अब आप एक्टर भी बनेंगे। अब मैं इतना अच्छा हूँ तो मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ तो मतलब किस किस्म का सोप है उसमें? बेसिकली एक फैमिली ओरिएंटेड सोप है। अभी स्क्रिप्ट को मैंने फाइनलाइज नहीं किया क्योंकि मुझे कोई मतलब प्रीवियस इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको फिर यहाँ टोटली यहीं होल सोल यहाँ रहना पड़ेगा। बिल्कुल करूँगा, मैं तो चाहता हूँ मैं पाकिस्तान में रहूँ। अच्छा मस्कत को फिर छोड़ देंगे, बाय बाय। एक बात हूँ, ये यहाँ पर लोग जीते हैं, मुझे यहाँ की जिंदगी अच्छी लगती है, जीते हैं मरते हैं, और मैं यहाँ पर लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और मजे की बात पता है कि हम लोग कितने, हमारे अंदर मैं समझती हूँ क्या एक होता है ना, एक जज्बा है, जज्बा। इतने हालात खराब हो लेकिन लोग अपनी जिंदगी में आउटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, निकल रहे हैं, नहीं डरते नहीं, खौफ नहीं है वो वाला कि कोई निकल नहीं रहा। मैं समझती हूँ जिस दिन हड़ताल भी होती है उस दिन भी लोग इतना बाहर निकले होते हैं। बोल्ड हो चुके हमारे लोग, काफी बोल्ड है माशाल्लाह, बोल्ड। और लोग हमें कहते हैं हम बेहस हो गए, लेकिन ये भी गलत है ना, बेहस नहीं हुए हैं, बेहस नहीं है, जाहिर है जिंदगी तो चलनी है। अब क्या, वन ऑफ द बेस्ट नेशन इज पाकिस्तान, आई एम टेलिंग यू। मैं कहती हूँ पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है, लेकिन बस हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीजें हो गई नहीं है कि हम उसको नहीं कर सकते, कि हम क्या करें। क्योंकि जब इनफैक्ट हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो एक दफ़ा आपने और मैंने भी जो एक प्रोजेक्ट म्यूचुअली किया था, सो द पीपल द थिंक दैट वी आर द इंडियंस, तो मगर मैंने बड़ा खुशी से बताया कि नहीं यार हम पाकिस्तानी भाई, हम पाकिस्तानी गाय। ठीक, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला दोबारा जारी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नाजिया जावेद और आदिल इकबाल, और इनसे हम बात करें कोल्हापुरीज पे और अबाए पे और कपड़ों पे। स्टे विद अस।